गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 के साइंस के लिए आपको एक्सप्लोरिंग साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपको निकालना है। फर्स्ट चैप्टर आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ओके, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग को मेन चीज पढ़ना है कि फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन एंड इट्स मोड, मतलब खाना और ये किस तरह से हमको मिलता है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट का फोटोसिंथेसिस खाना बनाने का एक सिस्टम है, मेथड है, जिसको का क्या इम्पोर्टेंस है, उस चीज को हमको पढ़ना है। फिर है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल, सॉयल के अंदर में जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको कैसे हम लोग भरपाई करते हैं, वो सब चीज के बारे में हमको ये पढ़ना है। आ जाइए नेक्स्ट आपका कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए सभी को क्या चाहिए होता है, तो फूड होता है। फूड को क्या काम रहता है, हम लोगों का मेन चीज काम क्या होता है कि ये हमको एनर्जी देता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट द बेसिक एक्टिविटी ऑफ द लाइफ। फिर है मटेरियल्स फॉर द ग्रोथ, जो चीज हमारे शरीर में ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जैसे विटामिन मिनरल्स होता है, ये सब चीज हमको ये प्रोवाइड करता है। थर्ड है मटेरियल्स फॉर द रिपेयरिंग एंड द डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमको इम्यून सिस्टम भी कहते हैं कि हमको बढ़ाता है। इम्यून सिस्टम मतलब हमारा प्रतिरोधक क्षमता जो होना चाहिए, जिससे कि हम लोग बीमारी या संक्रमण से लड़ सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना के केस में जिसका इम्यून सिस्टम ज्यादा होगा वो उसका सर्वाइव होने का या सर्वाइवल का चांसेस उसका ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमको फूड के बारे में समझना है। तो फूड क्या है कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको कि अगर हम लोग टुकड़ा टुकड़ा करके शरीर के अंदर में लेते हैं और वो केमिकल प्रोसेस से हम लोगों को फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर में न्यूट्रिएंट्स होता है विच हेल्प अस टू इन ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द बॉडी एंड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ये सब चीज फूड का काम होता है। अब हमको पढ़ना है कि न्यूट्रिशन एंड इट्स मोड, न्यूट्रिशन क्या होता है और इसका मोड मतलब तरीका किस किस तरीका से है। तो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक्स द फूड एंड यूटिलाइजेज इट फॉर डेली एक्टिविटीज एंड इट ग्रोज एंड इट्स ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो ग्रोथ के लिए एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू खाना हम लोगों का यूज होता है, हमारे डेली जो भी एक्टिविटी हमारे शरीर का चलता है उसके अंदर में सारा प्रोसेस और ग्रोथ ये सारा चीज को कंट्रोल होता है हमारे न्यूट्रिशन से। अगर खाना नहीं खाएंगे तो ये सारा चीज धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट सो द टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो खाना अपने आप खुद बनाता है तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग प्लांट को देखते हैं कि जो खुद फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं या ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है जो कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। द मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द एनिमल डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑन अदर्स, दूसरे के ऊपर में अगर डिपेंड रहता है तो हम लोग कहते हैं कि वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसको हम लोग और जो इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। इसमें खासकर प्लांट के अलावा हम लोग एनिमल्स को कहते हैं। कुछ कुछ प्लांट भी होता है जो कि कुछ दूसरा चीज को भी यूज करता है, लेकिन मोस्टली एनिमल्स को हम लोग हेटरोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉप्स उसको कहते हैं, जिनका की मेथड होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस और आगे प्रोसेस को पढ़ेंगे। थैंक यू।